नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आप लाल किताब सीखना चाहते हैं, और लाल किताब को लेकर कई बार लोगों में दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं और उनको ये लगता है कि लाल किताब की जो किताबें उनको पढ़ने में काफी मुश्किल होती है, तो कई लोग जो है इंग्लिश वर्जन ढूंढते। तो आज मैं आपके लिए दो ऐसी किताबें लेके आया हूँ जो कि ऑथेंटिक है, और अगर आप इंग्लिश में लाल किताब पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन किताब है। तो सबसे पहली किताब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा जब लाल किताब पढ़ाता भी हूँ, मैं हमेशा बेनी माधव जी की किताब रेकमेंड करता हूँ। तो ये एक ऐसी किताब है जो आप ले सकते हैं जो कि बेनी माधव जी की लिखी हुई किताब है। तो इस किताब का जो नाम है वो लाल किताब है, बट यहाँ पे लिखा होगा पंडित बेनी माधव गोस्वामी। तो ये किताब लगभग 700 रुपये के आसपास की किताब हो, अगर आप लेना चाहते हो तो बुकयंत्रा में ये अवेलेबल है। और इस किताब में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, मैं आपको थोड़ी चीज़ें दिखा भी देता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पे दृष्टियाँ के बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हस्तरेखा के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा की गई है। देखिए ये किताब जो है ये बेनी माधव जी ने ही लिखी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, इसको आप हिंदी किताब से कंपेयर नहीं कर सकते हो। हिंदी की जो किताब है वो काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी विस्तार हैं, लेकिन अगर आप लाल किताब में रुचि रखते हो और इस किताब को भी पढ़ते हो तो आपके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। एक बार किताब मैं शेयर करता हूँ, दोनों ही किताबें हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है bookyatra.com, इस वीडियो के लिंक पे भी मिल जाएगा। दूसरी जो किताब है वो है लाल किताब, ये वाली आपको दिख रही होगी, लाल किताब द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ क्यूरेटिव मेजर्स। ये है RS शिल्डर की लिखी हुई किताब, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है, ये 375 रुपये की किताब है। तो अगर हम देखेंगे इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ एडवांस चीज़ें भी लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो दोनों किताबों को जब आप मिक्स करके पढ़ते हैं, लाल किताब में स्पेशली मैं कहूँगा अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी अगर आप हिंदी में भी जानना चाहते हैं उसके ऊपर भी मैं एक और वीडियो बना दूंगा लेटेस्ट। तो ये दो किताबें हैं, मैं दोबारा अच्छी तरह आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इनकेस आप अगर हमारी साइट से लेने चाहते हैं, आपको ये दो किताबें देखने को मिलेंगी, एक RS शिल्डर की है और एक बेनी माधव जी की है। ये किताब 700 रुपये की है, ये 375 रुपये की है। तो दोनों किताबें जब आप साथ में मिलकर पढ़ेंगे तो आपको लाल किताब अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको ये पता चला, अगर आप इंग्लिश में लाल किताब पढ़ना चाहते हैं तो ये दो किताबें हैं, दे आर ऑथेंटिक एंड यू कैन रीड इट एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज़ रिटन इन द इन दिस बुक। और हिंदी में कई ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको समझना मुश्किल होता है, तो इस किताब को भी साथ साथ जब आप पढ़ोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।